निज जनकी भव सागर हे मा, निज जनकी भव सागर हे मा, पार करो नैया की जय कर मा मैया। जग जग पीर पड़ी सजनों पर, तुम दौड़ी आई मैया, तुम दौड़ी आई। विपदा हरी तैलकारों की, विपदा हरी तैलकारों की, तुमने ही माई की जय कर मा मैया। साहू वंश उजागर गिरने, तुमने कल्याणी मैया, तुमने कल्याणी। कर वंचित तै दीवानी की जय कर मा मैया। मीरा सी महान दुर्गा सी, दक्ष दुष्ट दलनी मैया, दक्ष दुष्ट दलनी। हे करुणा मई हमें शरण दो, हे करुणा मई हमें शरण दो। माता दुख हरनी की जय कर मा मैया। तेरी खिचड़ी खाने आए जगन्नाथ स्वामी मैया, जगन्नाथ स्वामी। धन्य धन्य माँ कर्मा जिनके, धन्य धन्य माँ कर्मा जिनके, भगवन अनुगामी की जय कर मा मैया। कर मा मैया की आर जो कोई जन गावे मैया, जो कोई जन गावे। स्नेही जनले चार पदार, स्नेही जनले चार पदार, सुख संपत्ति पावे की जय कर मा मैया। जय कर मा मैया की माई, जय कर मा मैया। निज जन की भव सागर सीमा, निज जन की भव सागर सीमा, पार करो नैया की जय कर मा मैया। की जय कर मा मैया, की जय कर मा मैया। प्रेम से बोलो करमा मैया की जय। कर्पूर गौर त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्ति। मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद भी हमारे बीच में अतिथि मन के आगमन चने चने बढ़ा थे। यहाँ की महिला प्रकोष्ठ अनेक प्रभा सहित उनका टीम उपस्थित हुई। हमारे बीच में हमारे महिला प्रकोष्ठ श्रीमती उमेश्वरी साहू सहित सारथी से भी महिला प्रकोष्ठ के बहन मन आए, ओकर मन के स्वागत कर दूं महिला प्रकोष्ठ के द्वारा। हमारे अन्य गांव से भी महिला उपाध्याय हमारे गोपाल भैया डॉक्टर भूषण जी आपसे बड़ा स्वागत करो, सम्मान करो, अच्छा से तिलक लगा करके। और हमारे बीच गांव के सरपंच शेखर कुमार जी के भी आगमन हुआ है, होकर स्वागत सम्मान जोरदार ताली बजा करके हमारे बीच में स्वागत होना है। और पुनः निवेदन चाहूँ राम साहु समाज बक्तरा की ओर से अतिथि अतिथि मन के लिए हमारा मुख्य अतिथि को होना मन के लिए आसंदी है। और ठीक मंच के आप दाई और हमारे अन्य पहुना मन आसकर मन के लिए आसंदी है, आप सब विराजमान हो। चलिए इसी सत्र का परिचय देते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे वाद्य यंत्र कलाकार अपने माइक वगैरह से सुसज्जित हो रहे हैं, तत्पश्चात आपके बीच में हमारे अंगना छत्तीसगढ़ के लोक संस्थाकार के द्वारा आप
आयोजन स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित हूँ। राम सहा समाज की ओर से हो गए ममता दीदी स्वागत करते हैं हमारे अपर क्षेत्र के महिला प्रकोष्ठ सदस्य श्रीमती उमेश्वरी, साथ ही सारथी ग्राम के भी अगर भी चलते रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत रही। ग्राम सभा समाज सारखी के लिए आदरणीय हम पहुंचे हैं अध्यक्ष से। हमारे बीच परम आदरणीय परम श्रद्धे आदरणीय पूर्व विधायक बड़े भैया दिनेश साहू जी के आगमन होते हैं पर जोर राजधानी बजा करके बोले संत कर्मा माता की। आप लोग सादर मंच में आसंदी सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय बड़े भैया पूर्व विधायक पूर्व मंत्री आपके आगमन आज के कर्मा जयंती के पावन अवसर में हो है। ग्राम साहू समाज पक्करा परिचित साहू समाज की ओर से अभनपुर के तत्वधान में कर्मा जयंती के आयोजन ग्राम पक्करा में आयोजित है। हम सबला मालूम है मौसम दो तीन दिन से आप प्रतिकूल होने के कारण आप पुनः बारिश के चालू हो गए। फिर भी गांव पक्करा की ओर से जो भी उचित व्यवस्थाएं करे गए हैं मौसम अनुकूल प्रतिकूल होने के कारण से अव्यवस्था निश्चित रूप से है और यही बीच में हमारा आगमन है। आप सबके स्वागत के लिए मैं ग्राम साहू समाज पक्करा की ओर से आदरणीय गोपाल राम साहू जी, डॉक्टर सत्य डॉक्टर बुधराम साहू जी, सूरज भानी सिंह आपके आए और हमारे बीच उपस्थित आदरणीय हमारे पूर्व विधायक बड़े भैया दिनेश साहू जी के स्वागत स्वागत करो। जैसे भी ग्राम साहू समाज बक्सरा के पार के प्रमुख है पार के सदस्य है यहाँ के आदरणीय पंच गणमन से भी सादर निवेदन है, सरपंच भाई से भी निवेदन है कि आकर के हमारे बड़े भैया साहू जी के स्वागत करो भैया के स्वागत करूंगा। अब साथ में हमारे प्रदेश जी धनराज जी ने के लिए होकर भी स्वागत करूंगा। सरपंच महोदय आपसे भी निवेदन और सारथी से भी पहुंचे हुए हैं आप छत लगा करके स्वागत कर लो। श्रीमान दसराम साहू जी, श्रीमान बलराम साहू जी, श्रीमान ईश्वर साहू गुरु सरपंच, श्रीमान मोहन साहू, श्रीमान रोहित साहू सोसाइटी वाले आप भी आइएगा, श्रीमान कुबला साहू युवा प्रकोष्ठ, श्रीमान विश्वराम साहू जी आइएगा, श्रीमान मोहन साहू, श्रीमान तुकाराम जी साहू पूर्व सरपंच, श्रीमान ललित साहू पाठ प्रमुख,
तब आइएगा। श्रीमान रोमन साहू, श्रीमान मुरली साहू, श्रीमान नारद साहू आइएगा, श्रीमान वेद व्यास साहू, श्रीमान अलिंद साहू साथ में, श्रीमान मदिराव साहू, श्रीमान आनंद साहू आइएगा। आप सभी जो है हमारे बीच में विराजमान मानती पूर्वा विधायक एवं हमारे बीच में तस्वीर चल के पदाधिकारी एवं क्षेत्र के पदाधिकारी विराजमान हुए हैं, उनके स्वागत अपने कर्तव्यों से कीजिएगा। श्रीमान दिलीप साहू जी विद्युत विभाग के मान है, हिमाना जितना हो सकता है करने का प्रयास किया है, किंचित मात्र भी नहीं है, फिर भी प्रकृति के सामने हम नतमस्तक हो जा रहे हैं ऐसे, फिर भी व्यवस्था हमारे बीच में चाहूंगा। हमारा अनुराग छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्था त्यागरणी संचालक संजू लेखराम जी साथ ही आदरणीय आसाराम साहू जी, अगर आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी हो तो अस्पताल का परिचय देते हुए इस मंच में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रारंभ करने की कृपा करेंगे। मैं निवेदन ओके ताकि यह कार्यक्रम आपको भाई आसाराम साहू जी, भाई आसंजू साहू जी का और भाई गोविंदा साहू Yeah!
सत्यनारायण बाबा की जय। आज हमर पावन ग्राम बक्तरा में प्रक्षेत्र स्त्री हमर भक्त माता कर्मा जयंती आदर्श विवाह और हमर ग्राम बक्तरा साहू समाज द्वारा नवनिर्मित भवन के लोकार्पण अवसर पे हमर आज के अतिथि हमर समाज के गौरव समाज के वरिष्ठ परम आदरणीय धनेन्द्र भैया जी पूर्व विधायक पूर्व मंत्री हमर बीच में हमर ये परिक्षेत्र साहू समाज के अध्यक्ष आदरणीय भोजराम साहू जी हमर तहसील साहू संघ के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रहलाद साहू जी हमर प्रक्षेत्र साहू समाज के उपाध्यक्ष आदरणीय पवन गुरु पंजी हमर ये ग्राम प्रक्षेत्र साहू समाज के सचिव आदरणीय तेज सिंह साहू जी हमर तहसील साहू संघ के मीडिया प्रभारी उमेश साहू जी और हमर ये ग्राम बक्तरा साहू समाज के अध्यक्ष भाई राम गोपाल साहू जी आदरणीय उपाध्यक्ष सूरज भान साहू जी कोषाध्यक्ष आदरणीय रेखराम साहू जी सचिव डॉक्टर बुधराम साहू जी अंगेक्षक डॉक्टर बिसौहा राम साहू जी और महिला उपाध्यक्ष लेख प्रभा साहू और हमार यहाँ उपस्थित सबो हमार वरिष्ठ सियान मन हमार सबो प्रक्षेत्र के पदाधिकारीगण हमार ग्राम साहू समाज के सबो पदाधिकारीगण हमार समाज के सबो वरिष्ठ सियान मल्ला माता बहनी मल्ला और हमारे आज हमार ये मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम के सबो संगवारी मल्ला युवा साथी मल्ला आप सबला ये अवसर में सादर बधाई है सादर शुभकामना है आप सबला सादर वंदन नमन प्रणाम करथन। आज हमार भक्त शिरोमणी संत माता कर्मा के जयंती बड़े ही धूमधाम से हमारे गांव में मनाथन और हमार पाप मोचनी एकादशी से लेकर के हमार संत माता कर्मा के रथ परिक्षेत्र साहू समाज के द्वारा आज यहाँ समापन के बेला में हमन सब उपस्थित होके बहुत ही भव्य ढंग से ग्राम बक्तरा में मनाया जाता है। निश्चित रूप से हमार साहू समाज के गौरवशाली इतिहास है। हमार समाज में बहुत ही महापुरुष मन के अवतरित होने से चाहे हमार भक्त माता राजीव हो माँ कर्मा हो दार की भामा साय हो चाहे राजीव तेरीन हो और वर्तमान में हमार साहू समाज के रायगढ़ के कोसम नारा में सत्यनारायण बाबा के जो आज लगभग 25 वर्ष से धूप पानी ठंड में एक जगह विराजमान होके तपस्या करत है ऐसे हमार महान विभूति मन हमार देश में अवतरित हुए। निश्चित रूप से हमार माँ कर्मा सेवा त्याग भक्ति और समर्पण के देवी रही और कृष्ण के भक्ति के लीन होते हुए भी हमार माँ माता कर्मा पूरा जीवन समाज के लिए पूरा धर्म के लिए पूरा जीवन समर्पित करी ऐसे हमार आराध्य देवी माँ कर्मा की हम जयंती मनाते हैं। आज माँ कर्मा भक्ति के बल पे साहस के बल पे और शक्ति के बल पे भगवान श्री कृष्ण ला बाल रूप में दर्शन देवर मजबूर करी और जगन्नाथपुर में भगवान बाल रूप में दर्शन देके खिचड़ी के भोग माता के हाथ में ग्रहण करी ऐसे हमार आराध्य देवी माँ कर्मा है। आप सब लोग
आज वही खिचड़ी के प्रसाद नित्य प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान में भोग लगते और वो महाप्रसाद सब भक्त मल्ला लाभ प्रदान होते। ऐसे हमारे भक्त माता कर्मा के जयंती के अवसर में मैं उजाता नहीं करते हुए हमारे सामाजिक एकता संगठन मजबूती के साथ बने रहे और सर्व समाज का साथ लेते हुए हमारे साहू समाज के लगातार आर्थिक विकास सामाजिक विकास व्यवसायिक विकास सबल विकास अच्छा ढंग से होवत रहे और पुनः मैं अपन सब जनता सादर वंदन नमन प्रणाम करते हुए और नवरात्र पर्व पर आप सब लोग शुभकामना प्रदान करते हुए अपन बात में विराम देता हूँ। बोलिए भक्त माता कर्मा की जय, माता राजीम की जय। हम सब बक्तरा की पावन भूमि में जेकर नाम लेकर के इकट्ठा हो हम सब से इष्ट देवी आराध्य देवी माता कर्मा जी के अच्छा जोर से हम सब मिल के जयकार करें। बोलिए कर्मा मैया की। अच्छा हमारे बरतारी बेनी मन नहीं बोलत है सब अच्छा मिल के हमारे इष्ट देवी आराध्य देवी ओकरे बल तिहार अच्छा मिल के जोर से जयकार करें। बोलिए कर्मा मैया की, राजन भक्ति माता की, दानवीर भाव अक्षार की, साहू समाज की, सर्व समाज की। आज हमारे बत्तरा गांव की पावन भूमि में आज कर्मा माता जी की जयंती की आज ये पावन अवसर और साथ ही यहाँ हमारे समाज के द्वारा निर्मित भव्य भवन के लोकार्पण के आज आयोजन में हमारे मन के बीच यहाँ उपस्थित हमारा तहसील साहू समाज के कार्यकारी अध्यक्ष भाई दिनेश साहू जी साथ ही हमारे साहू समाज क्षेत्र के अध्यक्ष भाई भोजराम साहू जी और हमारे सब और तहसील साहू समाज के पदाधिकारी मन कोषाध्यक्ष भाई प्रहलाद साहू जी साथ ही भाई उपाध्यक्ष पवन गुरुपंच जी साथ ही टेकचंद साहू जी और हमारे ग्रामीण साहू समाज के अध्यक्ष भाई राम गोपाल साहू जी उपाध्यक्ष सूरज भान साहू जी कोषाध्यक्ष लेखराम जी सचिव डॉक्टर सुधराम जी अंकेक्षक डॉक्टर विश्वभर राम जी महिला उपाध्यक्ष बहनिक प्रभा साहू जी और सब हमारे साहू समाज के यहाँ आए हुए सब विभिन्न गांव से सब हमारे प्रमुख श्याम मन प्रतिनिधि मन तीन जोड़ा विवाह होत हो ओकर भी आए हुए सबको परिवार मन सब हमारे ये गांव के हमारे बहुत ही धर्म श्रद्धालु माता मन श्याम मन आप सब हमें प्रणाम करते हुए आज माता कर्मा जी की जयंती है ये भवन के भी लोकार्पण हवे इकर में आप मन सब ला बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना पूरा आज हमारे गांव वासी मल्ला और पूरा क्षेत्र ला आज देवत हवन ये आज हमारे भी सौभाग्य है कि आज इस पावन मौका में आज यहाँ उपस्थित हो सके माता कर्मा जी की पूजा प्रार्थना करें। आप मन भी सब बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ माता कर्मा जी के भव्य शोभा यात्रा गांव में निकाले रहे हो आपके सामने ये मौसम ये पानी बरसात भी आड़े नहीं है सब आपकी जो श्रद्धा है भक्ति है वे जो उत्साह है वे अब का मौसम खराब हो बावजूद भी बड़ी संख्या में आज यहाँ आप हम सब उपस्थित है बहुत ही भक्ति भाव पूजा प्रार्थना सब को याद मन माता कर्मा जी ने समर्पित करे हम तो माता कर्मा जी ना यही मैं प्रार्थना करत हम कि आप सब की श्रद्धा भक्ति से माता कर्मा जी प्रसन्न हो नवरात्रि की ये पर्व हवे जगदम्बा मैया जी से भी मैं प्रार्थना करत हम कि आप सब अपन आशीर्वाद दे
उनका आशीर्वाद से काकर जीवन में कोई तकलीफ मत आए, सबके जीवन में खुशहाली और तरक्की प्रगति उन्नति आवत रहा है। यही मैं माता कर्मा जी से और जगत जननी जगदम्बा मैया जी से आप सब उज्ज्वल भविष्य की कामना करत रहा हूँ। हमारे साहू समाज के एक एक घर एक एक परिवार से आप सब जोड़ जोड़ करके अतिक सुंदर भवन बनाए हब, आप उनकी दान वीरता प्रणाम करत हब और आप सब लग पूरा हमारे बंतरा के पीना साहू समाज ल बहुत बहुत धन्यवाद देवत हब, बहुत अनुकरणीय प्रयास आप सब करे हब। एक लिए भी मैं बहुत मैं आप सब ल बधाई देवत हब और शुभकामना देवत हब। यही तरह से समाज की उन्नति के लिए माता कर्मा आप सब ल और अधिक सक्षम और समर्थ बनाए कि हमारे गांव में सामाजिक विकास और उन्नति के काम और ज्यादा से ज्यादा दिखत रहा है। आज हम कर्मा माता की जयंती मनाए बल इकट्ठा हो, आज हम कर्मा माता कौन है अब मैं समझता हूं, उन्होंने ज्यादा बताया कि जरूरत नहीं सब जान रहे हैं। कर्मा माता के बारे में हम आज वर्षों से अब जयंती मनात मनात सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन फिर भी जयंती जब मना था तो जन महान विभूति की जयंती मना था ओकर हमारे गुणगान करते ओकर महिमा के बखान करते और यही हमारे रवैया पीढ़ी मतलब लोग लड़का मतलब जानकारी भी थे कि आखिर आ जाता है कल साहू समाज पूरा गांव भर काम बंद करके ओकर जयंती मना था तो वो ऐसे का करके दे हवे हमारे हमर मन पर का करे हवे इला भी जानना जरूरी है। और खाली बंतरा भर के नहीं, खाली हमारा भरपुर परिक्षेत्र नहीं, सिर्फ हमारा रायपुर जिला छत्तीसगढ़ नहीं, हमारा पूरा हिंदुस्तान पूरा देश के इसका कोनो प्रदेश नहीं भी हमारे तेली समाज नहीं हुई। और तेली समाज की संख्या छोटे मोटे नहीं है, पूरा हिंदुस्तान के तेली समाज में हम जोड़बो तो हमारे संख्या लगभग 17 करोड़ के ऊपर हो गई हमें। आज कत्ता 17 करोड़ के ऊपर आज हमारे समाज हमें और जेकर इष्ट देवी कौन हमें माता कर्मा हमें तो कोई साधारण नहीं है। 17 करोड़ जेकर पूजा करत हमें जेकर आरती करत हमें जो मानत हमें अपन पूर्वज के रूप में ये साधारण देवी नहीं है। आप सब सुन रहे हब 1008 साल पहली माता कर्मा झांसी जिला में नरवर में पैदा हो इस समय और एक भक्ति भी समय भगवान कृष्ण के हुआ अपन भक्ति के भक्त के आड़ में आज भगवान प्रसन्न करी सो हम अभी कीर्तन जगन्नाथ की पहली खिचड़ी माता कर्मा के लग से आज कहे कि हमें जगन्नाथ के भाग तो जगत में सारे हाथ पूरा जग में प्रसिद्ध हवे भगवान जगन्नाथ जो माता कर्मा की खिचड़ी की भोग मेली लगते। माता कर्मा के बारे में संक्षिप्त में यही कहना चाहिए मैं आज कल्पना करो आप अभी अभी हो 60-70 साल हो हमें हमारे माता शक्ति मंदिर आगे आवा एक पहली घर में रहा है घूमट में रहा है कहीं महिला महिला मन बाहर न निकले और 1008 साल पहली कल्पना करो जन समय राजा महाराजा की उम्री से पढ़ाई लिखाई घलोक नहीं हुआ तो सब आज तो अभी अभी प्रजातंत्र में हमें नहीं तो कोतवाल लखनऊ डर रहा है गांव का आदमी में तो राजा महाराजा मन कतका डर वो कैसे हुआ नहीं कल्पना कर लो वो समय माता कर्मा 1008 साल पहली जब राजा सामंतशाही की युग नहीं समय तो उस समय समाज का संकट से उभारे काका संकट से राजा के संकट से राजा के आदेश के उल्लंघन कर तभी माता कर्मा जो है आज जो है पूरा समाज के अगुवाई कर समाज के नेतृत्व प्रदान कर तो कोई साधारण महिला नहीं हो सके। आज इसका हमारा टिकर नाव लेकर के आज माता कर्मा है आज खिचड़ी हवे टिकर सिंह जी आज हम शोभा यात्रा करत हवन जय जयकार करत हवन जयंती मना थवन
गोकर्ण जयंती में हम विभिन्न उत्सव ग्रत हवन। तो ये माता कर्मा क्या विशेषता है, महानता हवे। और आज हमें कृपा की जयंती मनाते आज पूरा भक्त सकला हमने बाबा आज हम ना हम ये मना है ना पदाधिकारी मन का बना है हम समाज है और समाज है एक परिवार हो एक परिवार का रिश्ता है एक परिवार के सूत्र में हम सब बने हैं। तो ये जयंती मनाना हम सब ने ये भी सक्सेस देते वसुदेव कुटुंबकम हम सब एक हम एक परिवार हम और हमारे आपस में प्रेम आपस में व्यवहार आपस में संबंध यही तरह से रहना चाहिए एक परिवार के तरह जिसे आज हम दूरबीन के सकला हमन उसने रोज हमन आपस में हमन मन के परस्पर प्रेम और संबंध रहा यही हमारे लिए जयंती है संदेश देके जाते हमारे समाज के सब पदाधिकारी हमने धन्यवाद दिया भाई भोजराम जी ने धन्यवाद दिया कि बढ़िया माता कर्मा की यात्रा निकाली रथ यात्रा जिकर आज समापन हमारे गांव बंतरा में हमे और बंतरा साहू समाज लभी में बहुत धन्यवाद दिया कि समापन की कार्यक्रम यहाँ रख करके बढ़िया की जोड़ा शादी के भी बिहाव करे हमे और आज नैया लगा
Oh!
अभी अभी मोर जगह नुमरा लेवा ले मनमाने मड़े घूमले गुपचुप खाले चाट खाले समोसा खाले सोना चांदी हीरा मोती जब मोल लेवा ले लेकिन मरे घुमत घुमान एक ठनौ नुता रखे वो अदेर सुगर मणिया और मरे मेला में भगवान भोलेनाथ के तपता छठ पूजा कराते ए जोड़ी सुना था सर चल चल मन मां इन गंगा जल का धर के वो भगवान भोलेनाथ के मनों के मना ले थन वो बन चलेगा कैसे तक कैसे का जा था सर ये दे जी जी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले ते जोड़ी लहर गंगा ले ले ते आप सबके अभिनंदन करत हूँ स्वागत करत हूँ एक कड़ी में हमारे बीच तोरे मुठा भर भर चोड़ी
चेहरा आँखी माँ झुलते रही थे ना। Oh,
करके हम सब स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे मित्र श्री इंद्र कुमार। छोटे से छोटे कार्यक्रम हो चाहे बड़े से बड़े इस प्रकार के कार्यक्रम हो, हमारे संत गैर साहू मन के भी अपन आत्मीयता के साथ प्रेम भाव के साथ गले लगा करके जो आगे बढ़ा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे देश आगे बढ़े आपके समाज के इस कार्यक्रम के, तो आपके समाज के प्रेम ल देख करके, आपके समाज के स्नेह ल देख करके, एक एक व्यक्ति के मिलनसारता भाव ल देख करके हमारे मन में भी कहीं न कहीं देश आगे बढ़ाए के हमारे स्वयं के जहाँ रथन वो क्षेत्र आगे बढ़ाए के, और मानो मानो एक समान के भाव हमारे हृदय भाव है। और एक सती जब कभी भी मौका मिलते आप मन के आमंत्रण ला हम कभी ठुकरा नहीं। माननीय विधायक बड़े भैया इंद्र कुमार साहू जी, ये हमारे अभनपुर परिक्षेत्र के सम्मानीय आप संरक्षक के पद पर भी विराजमान है, एक बार जोरदार ताली बजा के विधायक जी के बोले पंचकर्मा माता की चाहे बंदगी। मैं स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करा था राम साहू जी, अंकेक्षक रघुवर साहू जी, महिला उपाध्यक्ष श्रीमती हेमलता साहू जी, अभिनव स्वागत। और साथ ही निवेदन चाहो कि हमारे बीच में माननीय हमारे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री थे श्रीमती हेमलता साहू जी, श्रीमती उमेश्वरी साहू जी, लेख प्रभा साहू जी, आप महिला प्रकोष्ठ सदस्य, आप मन से भी निवेदन है स्वागत कर स्वागत की बेला भी बीच में हमारे संरक्षक आदरणीय राघवेंद्र साहू जी, आपसे भी निवेदन क्या कर स्वागत करो। साथ ही जम्मू हमारे परिक्षेत्र के पदाधिकारी के नाम में उद्घोष करा था आकर के स्वागत करो। स्वागत की कड़ी में मान सिंह साहू जी, नेत्राम साहू जी, नीलाधर साहू जी, आप जम्मू आकर के हमारे अतिथि मन को स्वागत करो। साथ ही नयन चंद साहू जी, गोविंद राम साहू जी, सह सचिव पुरुषोत्तम साहू जी, सह सचिव, आपसे निवेदन के आकर के स्वागत कर। साथ ही प्रचार मंत्री उधवराम साहू जी, टीकाराम साहू जी, गोपेश्वर साहू जी, संयोजक बुद्धेश्वर साहू जी, सह संयोजक दीनानाथ साहू जी, मैसूर सुदाम साहू जी, संचालक, मीडिया प्रभारी
घासुराम साहू जी, न्याय प्रकोष्ठ जीवनलाल साहू जी, युवा प्रकोष्ठ के समस्त पदाधिकारी सागर सहित टीम आ जाओ स्वागत के लिए। साथ ही कर्मा सेना के प्रकोष्ठ अध्यक्ष रूप नारायण साहू जी आपसे भी निवेदन करके स्वागत करो। कर्मचारी प्रकोष्ठ हरिचंद साहू जी, महिला संयोजिता श्रीमती प्रमिला साहू जी, और साथ ही निवेदन चाहूँ जितना हमारे परिक्षेत्र के सम्मानी पदाधिकारी है, प्रचार मंत्री, संगठन मंत्री, प्रमुख सलाहकार, न्याय प्रकोष्ठ, कर्मचारी प्रकोष्ठ, कर्मकानी प्रकोष्ठ, कर्मचारी प्रकोष्ठ, आप सब से निवेदन चाहता हूँ कि आकर के स्वागत करें। एक कड़ी में हमारे जटका ग्रामीण अध्यक्ष है, 33 गांव के हमार साहू समाज के ग्रामीण अध्यक्ष है, ओकर मन से भी निवेदन चाहूँ कि आपका आकर के स्वागत करो। पूरा टीम से भी निवेदन चाहता हूँ, ये मत सोचू कि मोर नाम नहीं लेते, स्वागत की दृष्टि तो बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं स्वागत की दृष्टि लगन करते हुए आप सबसे निवेदन का चाहता हूँ कि जितना ग्रामीण हमारा अध्यक्ष है ओकर मन से निवेदन के आकर के स्वागत करो। और साथ ही हमारे बीच में हमारे तहसील साहू समाज के सम्मानीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद साहू जी के आगमन हो, उनका भी स्वागत करो। साथ ही हमारे सूरज भैया जनपद सदस्य, आदरणीय हमारे राजेश भैया जनपद सदस्य, आदरणीय संतू राम साहू जी जनपद सदस्य, यहाँ के सरपंच शेखर अजीत जी स्वागत करो। साथ ही हमारे तहसील साहू समाज के कार्यकारी अध्यक्ष भाई तुलेश साहू जी, प्रहलाद साहू जी, और साथ ही हमारे बीच में उपस्थित है हमारे राजेश साहू जी जनपद सदस्य, उनका भी स्वागत। समस्त हमारे ग्रामीण पदाधिकारी से भी निवेदन है, अध्यक्ष सहित पूरा टीम आकर के स्वागत। सरपंच उनका भी स्वागत होना है। जितने भी हमारे युवा प्रकोष्ठ है वो भी आ जाए, महिला प्रकोष्ठ से जितना भी हमारे उपाध्यक्ष है ग्रामीण के, ओमन भी आ जाए और स्वागत की बेला में जुड़ जाए। यही कड़ी में हमारे अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान है हमारे बीच आदरणीय बसंत कोसरे जी, सरपंच गातापा, आप भी मंच में विराजमान हो, आपके भी स्वागत होना है ग्राम साहू समाज की ओर से। एक क्रम में है मुकेश ढीढ़ी जी, सरपंच बतियाड़ी हमारे बीच में उपस्थित है, आपके भी स्वागत होना है। साथ ही राजेश्वरी जी, सरपंच चंडी, आपके भी स्वागत होना है। लौटम गिलहरे जी, आपके भी स्वागत होना है। आदरणीय सुरेश वर्मा जी, आपके भी मंच में स्वागत होना है ग्राम साहू समाज इकाई की ओर से। साथ ही ग्राम साहू समाज के जम्मू पदाधिकारी राम बख्तरा जी, मैं नाम घोष किया था, आप मन भी आकर के हमारे सम्मानीय अतिथि मन के स्वागत करो। आदरणीय राम गोपाल साहू जी अध्यक्ष, आपसे निवेदन आकर के स्वागत करो। कोषाध्यक्ष रेख राम साहू जी, आपसे भी निवेदन आकर के साथ स्वागत करो। सचिव बुधराम साहू जी, अध्यक्ष विशोहा राम साहू जी, आप मन से निवेदन है कि आकर के स्वागत करो। राम गोपाल भैया, पहले हमारे सरपंच भैया मन का स्वागत करो, फिर मुख्य अतिथि अध्यक्ष मन का स्वागत करो, हमारे अतिथि मन के सबसे पुष्पहार अच्छे से स्वागत करना है। साथ ही कड़ी में सादर आमंत्रित करता हूँ राम साहू समाज भक्तरा के कार्यकारिणी उपाध्यक्ष सूरज भान साहू जी, संरक्षक नारायण साहू जी, महिला उपाध्यक्ष लेख प्रभा साहू जी, युवा प्रकोष्ठ कुबलाल साहू जी, दीनूराम साहू जी, सह सचिव हीराराम साहू जी, कौशल साहू जी, संगठन मंत्री इंदर कुमार साहू जी, प्रचार मंत्री चमार राय साहू जी, परिक्षेत्र प्रतिनिधि वेद व्यास साहू जी, पार के प्रमुख ओकर मन से निवेदन है कि आकर के स्वागत करो। जिमे नारा साहू जी, जितेंद्र साहू जी, टीकाराम साहू जी, चित्राम साहू जी, चेतन साहू जी, मणिराम साहू जी, स्वागत करो। स्वागत के कड़ी में समस्त हमारे ग्रामीण साहू समाज के अध्यक्ष और कार्यकारिणी मैं पुनः में निवेदन करता हूँ कि आकर के हमारे पहुना मन के जम्मू अतिथि मन के स्वागत करो, अभिनंदन करो। Thank you.
साथ ही निवेदन करो हमारे गुरु जी उपस्थित है आज यहाँ करके श्यामलाल गुरु जी अंत से निवेदन स्वागत करो और कोड़वाला गुरु जी की भी स्वागत होना है और साथ ही ग्राम पंचायत समस्त पंचगण पुरुष पंचगण महिला पंचगण आकर के हमारे विधायक जी पूर्व विधायक जी और मंच में विराजमान है जन्म अतिथि मंत्री स्वागत करते हैं। स्वागत के बेला में सारा आमंत्रित करता हूँ और जितना भी ग्रामीण अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी है उमन भी आकर के स्वागत करो साथ ही धातु भैया ग्राम पंचायत करा समस्त पंचगण उप सरपंच सहित और महिला पंच आप सबसे ज्यादा निवेदन है कि आकर के स्वागत करते हैं। यहाँ के सरपंच आदरणीय चंद्रशेखर महाराज का स्वागत परिक्षेत्र की ओर से बड़े भैया तुलसीराम साहू जी से निवेदन चाहता हूँ नहीं कम जैसे लाइन इतिहास इतिहास फोटो अरे महिला प्रकोष्ठ ओकर मन से भी निवेदन के आकर के स्वागत करते ग्राम सारथी से और अन्य गांव से भी हमारे महिला प्रकोष्ठ मना है ओकर डॉक्टर बोखरा साहू जी आप यहाँ करके स्वागत करो डॉक्टर उदयराम साहू जी आप भी आकर के स्वागत करो तेजू राम साहू जी आप भी आकर के स्वागत करो साथ ही पुनः निवेदन चाहूँ हमार माननीय पूर्व साथी हमारे बीच और अन्य पदाधिकारी मन से निवेदन चाहूँ गोपेश्वर जी संतोष जी आशा सचिव पुरुषोत्तम साहू जी घासुराम साहू आचार्य जी हमारे खेलू राम साहू जी उपस्थित है उनका भी सम्मान होना है ग्राम पंचायत चंडी आपके भी सम्मान होना है और साथ ही बसंत कोसरे जी सरपंच ग्राम पंचायत जाता पर आप मंच में आओ और आपके भी सम्मान होना है इसी कड़ी में और राजेश साहू जी जनपद सदस्य साथ ही हमारे बीच में हमारे कोर से समाज भवन द्वारा जो संचालित रही से ओकर आज बक्तरा गांव में समापन कार्यक्रम है साथ आदर्श सामूहिक विवाह के भी हमर कार्यक्रम आज संपन्न हो जाते और ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सम्माननीय हमारे क्षेत्र के विधायक सम्माननीय इंद्र कुमार साहू जी यहाँ उपस्थित है जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत कर रहा हूँ जी ग्राम पंचायत बक्तरा के सरपंच और भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करना है जिन हमारा अतिथि प्रक्षेत्र अध्यक्ष राम सिंह साहू जी साथ में हमारे तहसील के कार्यकारी अध्यक्ष भाई कुलेश साहू जी और हमारे प्रहलाद साहू जी संत राम साहू जी जनपद सदस्य उद्घाटन के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक इंद्र साहू जी और पूर्व मंत्री चंपू भैया और हमारे साहू समाज के क्षेत्र के जितने भी सदस्य आए हैं वे
और महिला सदस्य मतलब है और हमार सरपंच भैया मन भैया है गातापार सरपंच चंडी सरपंच भोटियाटी सरपंच और हमार गांव के जितना भी और बाहर के जितना भी सदस्य है सब लोग सादर प्रणाम है वे और ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए सब लोग नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई और कर्मा जयंती के बहुत बहुत बधाई और हमारे गांव वाला मतलब सब लोग साहू भवन के लोकार्पण के बहुत बहुत बधाई बस यही बोलते मैं अपन आने लगे रहा लगे है माता के दरबार लगे है माता के दरबार तब वो खाली खाली जी एक बार भक्त कर्मा माता के नाम से जोरदार बजा दो ताली जी जोरदार बजा दो ताली जी। आज बक्तरा के पावन धरा में कर्मा रथ के 32 गांव में परिक्रमा करके समापन और ये गांव में कर्मा जयंती के बेला में और जेल चार चांद लगाए हैं आज सामूहिक आदर्श विवाह के आप सब हमन साक्षी बने हैं। ये कार्यक्रम में आज के हमार मुख्य पहुना के रूप में ये क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय इंद्र कुमार भैया जी साथ ही साथ ये क्षेत्र के पूर्व सांसद विधायक मंत्री जनपद अध्यक्ष और सर्वोपद साथ ही साथ हमारे समाज का मार्गदर्शन करिए आदरणीय चंद्रशेखर भैया जी साथ ही साथ ये परिक्षेत्र के सम्माननीय अध्यक्ष भोज भैया जी टेकचंद भैया जी खुरपा परिक्षेत्र के सम्माननीय अध्यक्ष रूप सिंह भैया जी लता दीदी जी और हमारे तहसील सौसम के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तुलेश भैया जी प्रहलाद भैया जी और आदरणीय भैया जनपद सदस्य राजेश साहू जी भैया हमारे परिवार वाला भी संतराम भैया जी और जम्मो यहाँ के गांव के सरपंच और जम्मो सियान मल्ला अतिथि मल्ला सूरज भाई घरों के जनपद सदस्य है भुलावन और सब बोला मातृशक्ति मल्ला दोनों हाथ जोड़ के सादर वंदन है अभिनंदन है। आज आदर्श विवाह नाम से स्पष्ट आदर्श है ना घर में बिहाव करते में तो अक्का फिल नहीं सजी अक्का आशीर्वाद देवैया नहीं रहा लेकिन आज ये आदर्श स्थिति कहे जाते हैं जिनमें सबो समाज के आयोजन तो एक समाज में थे लेकिन सबो समाज के दाई मन बहनी मन सगा मन बोला पूरा आशीर्वाद देते हैं और उनका यशस्वी जीवन में कामना करते हैं। आज कर्मा जयंती हम मनावा था जयंती ओकरे मनाए जाते हैं जेकर समाज में विशेष योगदान रहते अभी कल क्षेत्रीय चंद जयंती मना रही सिंधी भाई भाई देवांगन समाज में परमेश्वरी जयंती मनाते सिन्हा समाज में सहस्त्र बाहू जयंती मनाते है ना सतनावी समाज के गुरु घासीदास जयंती मनाते वही तारतम्य में हमन कर्मा माता की जयंती राजीव माता के जयंती दानवीर हमर शाह जी के जयंती मनाता ये मन हमर समाज के कुल गौरव आदर्श हमन जगदलपुर जाता तो 12 भावर पढ़ते जिन्हें तेली शक्ति माता है राजनांदगांव जाता जी भानेश्वरी माता है और भी सबसे बड़ी बात जीता जागता रायगढ़ के कुसुम नारा में काफी बाल्यावस्था से तपस्या रत सत्यनारायण बाबा है गुरु गोरखनाथ जी भी हमर साहू समाज के हरे जेकर मुख्य ट्रस्टी योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री है ना मोदी जी भी हमारे समाज के गौरव है ऐसे हमारे साहू समाज के गौरवशाली इतिहास है। कर्मा माता प्राचीन समय में पूरा सामाजिक परंपरा कुछ कठे दिन से जिनमें छुआछूत जितका भी मंदिर देव स्थल रहा है उनमें कुछ कोटि मन के ही आना जाना रहा है तो जब जब कर्मा माता जगन्नाथपुरी में भगवान होकर हाथ से खिचड़ी के भोग लगी तभे से वहाँ के पट सबो समाज के लिए खुले है ना होकर अगर पट ला खोले के सबो समाज के रह जाते तो कर्मा माता के जाते तो ऐसे हमन कुल के हैं अपन समाज के प्रति आस्थावान रहना चाहिए और सबो समाज के व्यक्ति अपन समाज में जो जनता है वहाँ आस्थावान होना है। दूसरा हमल्ला हमार युवा पीढ़ी मल्ला समाज के मुख्य धारा में जोड़े जरूरत है जेकर से अंतर जातीय विवाह और धर्म परिवर्तन से हमन बोला बचा सकता
छोटे छोटे बेटी बेटा मल्ला बचपन से शिक्षा दान मोबाइल में देखते बेटी बेटा मल्ला है ना, थोड़ा सा मोटिवेट करे जरूरत है, बोला बोले जरूरत है थोड़ा कर्मा माता के निकाल यूट्यूब में काते हैं है ना, राजीव माता के इतिहास का है ना, राजीव माता राजीव मेला देखे सब हो जाते हैं छोटे बड़े मने, लेकिन राजीव मेला काबर लगते राजीव नगरी नाम काबर पड़ गए है ना, पहली ओकर नाम रही पद्मावती पूरी, लेकिन राजीव माता जब अपन विष्णु के विग्रह मूर्ति लोचन लदीस मंदिर के स्थापना हुई तो राजीव लोचन नाम पड़ गए, ओकर से वहाँ मेला लगे लग गए, तो कत्ता बड़े गौरवशाली इतिहास है ना। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज जिला कुंभ के भी छठा कुंभ के रूप में भी शासन प्रशासन के द्वारा मनाए जाते हैं, तो ऐसे हमारे समाज के गौरवशाली इतिहास है, हमला छोटे छोटे बच्चा मतलब सिखाए की जरूरत है पढ़ाए की जरूरत है ना, अगर ओकर प्रति हमन ध्यान नहीं देवो तो आप मन देखा तो छोटे छोटे बच्चा मतलब हम संघर्षशील बना कमजोर मत बना, बेटी मल्ला ओकर योग्य घर में काम सिखाना चौक भी झाड़ू पोछा से लेके है ना, जो कर ये थे बेटा मल्ला भी खेती बाड़ी के जब का भी काम है सिखावान तब वो संघर्षशील बनी, नहीं तो आपने देखा तो कहते गांव का हम देखे मिलते जे दिन बेटा ला माँ बाप ला पोसना है वो दिन बेटा है टाइम पास करत रही ताश खेलत रही मोबाइल चाहिए गाड़ी चाहिए घूमत रही दाई दादा है काम होता है ना, तो ऐसे विडम्बना हमला देखे साहू समाज के प्राचीन इतिहास काफी गौरवशाली इतिहास रहे हैं, चार धान वो है रोजगार दे है पुराना इतिहास बोला वैश्य माने गए थे, वैश्य मतलब पेट सिरला ब्राह्मण छातीला छत्री पेटला वैश्य जे है रोजगार माली बने प्रयास कर है ना, जेमे रोजगार दे सकन चार के भला कर सकन है ना, ये दिशा में हमला चलने की जरूरत है, और हमारे अतिथि मल्ला हो अन्य जगह जाना है आप मन बहुत अच्छा आयोजन करे हमला बुलाए स्वागत सत्कार करे उतर ले तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, पत्रा गांव हमारा आदर्श गांव है, निरंतर आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करा था, और ये तीनों जोड़ा के आदर्श विवाह हुआ थे उग्रो मन के भविष्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना करा था, वो तीनों जोड़ा मन पूरा नशा मुक्त होके रहे मांसाहार मुक्त होके रहे ताकि यह जो विवाह के आशीर्वाद फलीभूत हो उकर जो आने वाले पीढ़ी है संतान है निश्चित है एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण में अपन योगदान दे निश्चित है उकर बारे भविष्य में भी अमन होकर मन से भेंट करबो है ना, तो पुनः आप सबला वंदन करत हुए शीश वंदन करत हुए अभी चैत्र नवरात्रि के भी पर्व है हिंदू नववर्ष के नया वर्ष के प्रारंभ के आज तीसरा दिन है, ऐसे पावन मेला में गांव में कार्यक्रम के आयोजन हुए है, पुनः आप सबला अब आयोजक परिवार ला समस्त ग्राम वासी ला हमर साहू समाज के जम्मो पदाधिकारी ला यहाँ के साधुवाद देवत हुए, मैं अपन वाणी विराम देता हूँ, बोलिए भक्त कर्मा माता की जय जय धन्यवाद। अगर आपके बहुत मयावी गांव भक्तरा में इकट्ठा हो रहे माता कर्मा के जयंती के निमित्त आओ आदर्श विवाह के साक्षी बने वर उल्ला आशीर्वाद देवर हमन सब एक बार फिर से हमन जयकारा करबो राजीव भक्ति माता का राजीव भक्ति माता की। आज के हमर माई पहुना हमर क्षेत्र के सम्माननीय विधायक हमर पड़ोस के रवैया श्रीमान इंद्र कुमार साहू जी हमर साहू जी अरुण साहू जी उयर स्पीकर सुधीर साहू जी हमर तहसील अध्यक्ष ब्रह्मानंद साहू जी तुलेश भाई मोहन भाई मोहन तुनिया तलाद जी हमर प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये लगातार कार्यक्रम चलते ऐसे भाई भोजराम साहू जी पवन गुरपंच जी हेमलता जी टेकचंद जी साहू जी हमारे सचिव और ये गांव के सब आयोजन बंधुमन राम गोपाल जी सूरज भान साहू यहाँ के आपके इच्छा सचिव
सब महिला वर्ग, सब यज्ञवर सरपंच भाई, युवा सरपंच जवान साथी उद्बोधन करी हमारे दोनों जनपद सदस्य संत राम जी, सूरज जी, खेलू राम जी और राम कुमार जी, बुद्धेश्वर सब हमारे के परिचित चेहरा है। कावर बक्तरा में हमेशा सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, रामायण, रामचरितमानस, राज पाक प्रतियोगिता जितका भी है सबसे अच्छा आयोजन करते हैं। एक बार सब हमन बक्तरावासी मन के लिए करते हैं ध्वनि से होकर मन के अभिनंदन करते हैं। काबर यहाँ भवन तो है ही, ओकर अलावा भी बहुत अकन कार्यक्रम ला आप जन सहयोग से हर परिवार के सहयोग से और ये परिवार भाव हमर समाज के मूल आधार है। वसुधैव कुटुंबकम जन लभते, सारी वसुधा ही हमारी सारी धरती हमारे परिवार है। तो उसने हमर ये गांव में परिवार भाव हमेशा से और नारी मन के सम्मान भी बहुत यज्ञते त्रमते देवता, जहां नारी के सम्मान है वही देवता के वास है। यह कल्पो ढंग देवता धर्मी है और लेकिन नारी शक्ति के भी बराबर सम्मान है। उसने हमारे जो भी दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए शुरुआत हो रही से एक सामाजिक आंदोलन तो साहू समाज कई साल पहले मुनगा शहर में शुरुआत हुई। साहू समाज पर मंच में सैकड़ों परिवार लगा आदर्श भाव के रूप में होना वैवाहिक संस्कार। आवाज सबसे बड़ा समस्या है काबर आप शादी करे पर चाहो उनका रिसेप्शन से लेकर सब चीज बहुत अकल में पैसा लगता है। आजकल दिखावा में भी आदमी बहुत फूट करता है, सब जल कपड़ा बांटना, सब जल देना, सब जल गिफ्ट देना, ये करना वो करना कत्ता नहीं काटा। लेकिन हमारे ये बक्तरा में यार तीन जोड़ा ला आप आदर्श भाव के बंधन में बांधे हो निकल लिए भी साहू समाज के सबो भाई बहन मन आयोजक बधाई के पात्र है। हम लोग अभिनंदन करते हैं। उसने हमारे माता कर्मा के जीवनी उगर जीवनी हमेशा पूरा भारत में नारी शक्ति का नवा प्राण देते, नवा स्वरूप देते, नवा अध्याय शुरू करते कि माता कर्मा अब एक को एक जगह के लिए नहीं गए वो सबके हो। इधर ही हमन देखें माता कर्मा के जयंती में अवकाश है 5 अप्रैल तो सब समाज के मन पर व्हाट्सएप से सब चला था। एक बहुत जगह सरपंच मन बैठे मुके से फसल थे और भी है कई जगह बैठे सब अपन अपन व्हाट्सएप से चला था माता कर्मा को फोटो कर्मा जयंती के बढ़ा कंसी घरों पर बैठ के ये बात होगा। तो आज के दिन ये सभी महत्वपूर्ण है। 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले जो भारत में सामाजिक क्रांति की अगुवाई करे है जयंती आज ईद के त्योहार है। भाईचारा के प्रेम के आपसी विश्वास के सद्भाव के त्योहार ईद उग्रवाद छुट्टी है। आज गंगौर के कार्यक्रम है पूरा हमारे राजस्थान में माता मन गंगौर की पूजा करता है। गंगौर के भी पर्व एक साथ 3 पर्व है। अब आज 11 अप्रैल के हमन बक्तरा में आगन और ये बक्तरा की धरती हमें नमन करते हैं। एक बार फिर से कर्मा माता के वो जो विश्वास है कि जगत गुरु शंकराचार्य जगत गुरु हमर कृष्ण भगवान ला अपन हाथ से खिचड़ी खिला के प्रेम दया सौहार्द आपसी भाईचारा विश्वास सबके एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर दी। ऐसे माता कर्मा ला प्रणाम करते हुए
वो हमला सब आशीर्वाद मन के जीवन में पग पग में कठिनाई है, पग पग में समस्या है, जटिलता है, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, व्यवहारिक हो, कोई भी प्रकार के हो, सब समस्या के निदान में हमारे माता कर्मा हो कृष्ण भगवान अल्लाह मदद करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेव, जो भगवान कृष्ण वासुदेव के रूप में, जो भगवान कृष्ण गीता ज्ञान दाता के रूप में, जो भगवान कृष्ण रास लीला महारास लीला रचाते, जो भगवान कृष्ण यहाँ से निकल के मथुरा से निकल के द्वारकाधीश कहलाते, जो भगवान कृष्ण जगत गुरु कहलाते, ऐसे भगवान कृष्ण अपन आराध्य के रूप में जो पूरा समर्पण भाव से अपन हाथ से खिचड़ी भर अपन हाथ से भोग लगाई, ऐसे माता कर्मा के वंशज ला हम सब अपन तरफ से आवाहन करते हैं कि चलो उठाओ जागो, ये भारत ला, ये गांव ला, ये क्षेत्र ला, ये जिला ला, छत्तीसगढ़ ला, एक नवा विकसित भारत बनाने के लिए आगे चढ़ो। इन आवाहन निवेदन के साथ अपन बात में समाप्त करता हूँ। अब आप सब ला कर्मा जयंती के ट्रैक्टर ट्रैक्टर बधाई देवत हुए, आप सब का बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।
राम भक्त परम है। माता कर्मा के जयंती पूर्व कृषि मंत्री सम्मानित चंद्रशेखर साहू जी, हमारे तहसील के अध्यक्ष सम्मानित ब्रह्मानंद साहू जी, हमारे परिक्षेत्र के अध्यक्ष सम्मानित भोजराम साहू जी, उपाध्यक्ष सम्मानित पवन गुरुपंत जी, उपाध्यक्ष श्रीमती हेमलता साहू जी, हमारे भोरपा परिक्षेत्र के अध्यक्ष सम्मानित राम सिंह साहू जी, ये गाँव के सरपंच शेखर भैया जी, हमार जनपद सदस्य संतु साहू जी, खेलू राम जी, प्रहलाद साहू जी, तहसील के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश साहू जी, हमार परिक्षेत्र के सचिव टेकन साहू जी, कोषाध्यक्ष हमार ये गांव के रवैया सम्मानी तुलसी राम साहू जी, और हमार सरपंच बसंत जी, मुकेश डेनी जी, राजेश्वरी जी, हमारे जनपद सदस्य सूरज राज साहू जी, ये गांव के अध्यक्ष सम्मानी राम गोपाल साहू जी, उपाध्यक्ष सूरज भान साहू जी, कोषाध्यक्ष रेखराम साहू जी, बुद्धराम साहू जी, सचिव अकिंचक सुवराम जी, महिला उपाध्यक्ष लेख प्रभा साहू जी, हमारा अकिंचक रघुवर जी, और सबको हमारे यहाँ के पत्रकार बंधु, हमारे जम्मू परिक्षेत्र साहू समाज के पदाधिकारी, हमारे ग्राम भक्तरा के जम्मू हमार पदाधिकारी मन, ये गांव के सामाजिक हमार जम्मू पदाधिकारी, हमार ग्रामीण अध्यक्ष सचिव और जम्मू परिक्षेत्र साहू समाज के पदाधिकारी, यहाँ के माता बहन और तीन जोड़ा शादी में आए हुए उकर तीन जोड़ा शादी के दूल्ही दूल्हा मल्ला और उकर माँ बाबू मल्ला भी, आप सब रा हमारे कर्मा जयंती के अवसर में आप सबके हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं परिक्षेत्र साहू समाज की ओर से। और मैं विधानसभा के विधायक होने के नाते भी अभनपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से आप सबके मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। बंधुगण हो, आज जो जयंती है वो हमारे ग्राम साहू समाज पत्तरा और परिक्षेत्र साहू समाज अभनपुर के संयुक्त तत्वाधान में माता कर्मा की जयंती और कर्मा रथ के समापन के कार्यक्रम है। और बड़ा हर्षोल्लास के साथ हमारे सामाजिक बंधुमन हमारे कार्यक्रम में सहभागिता देके अपन सामाजिक एकता के भाव प्रदर्शित कर रहे, साथ ही हमारे अन्य समाज के भाई बहन भी आज आके हमारे सामाजिक समरसता के जो भाव प्रदर्शित कर रहे, यही हमारे साहू समाज की निशानी है कि हम सर्व समाज साथ में ले ले सामाजिक विकास की हम कल्पना करते हैं। और जब समाज की कल्पना करते हैं तो सर्व समाज के भाई बहन के साथ मिलके अपन समाज के रीति नीति लेके हमार आगे बढ़े के प्रयास करते हैं। आपने देखा था तो विगत 18 वर्ष से माता कर्मा के रथ के संचालन हमार परिक्षेत्र साहू समाज के द्वारा हुआ था, और एक उद्देश्य सामाजिक जागरूकता लाना, सामाजिक समरसता के भाव लाना, ये माता कर्मा के रथ के संचालन के हमारे उद्देश्य है कि लोग अगर माता कर्मा ला जाने, माता राजीव ला जाने, दानवीर भामा साजेला हम जयकारा करा था बोला, हमारे समाज के बंधु मन माता मन जाने, ये उद्देश्य ले लेके हमारे कर्मा रथ के संचालन कर रहा था। माता बहनों, आज जब तक हम अपन राज्य ला और अपन गौरव नहीं जानबो तब तक हम समाज के विकास की कल्पना नहीं कर सकन। आज माता कर्मा के जेकर हम जयंती मना था इला हम जाने लगी कि माता कर्मा भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ति रीति से जे इस दिन भगवान कृष्ण के पूजा करे और अगर पूजा से भगवान कृष्ण उला जगन्नाथ के रूप में जगन्नाथपुरी में ओकर हाथ के खिचड़ी के प्रसाद ग्रहण करे, ये गौरव हमर साहू समाज ला मिले है जे निस्तिर जगन्नाथपुरी में जो खिचड़ी के जो प्रसाद है माता कर्मा के खिलाए हुए बोला हमर प्रसादों में प्रसाद सबसे बड़े महाप्रसाद बोलते हैं, ऐसा गौरव हमारे साहू समाज ला मिले जेकर जयंती पाप मोचनी एकादशी के दिन माता कर्मा के जयंती मनाते हैं। वैसे हमारे माता राजीव जे हमारे राजीव मेला में जाते राजीव मेला के भी इतिहास से
जे माता राजी हमर समाज के गौरव है। जे तेल की व्यवसाय करत रोज तेल बेचे ला जाए और वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्ति दे, रोज तेल व्यवसाय करे बन जाए तो भगवान विष्णु के नाम से पत्थर में वो तेल चढ़ाए और आगे जाए और भगवान विष्णु ला वो प्रेम के साथ उन्हें लोचन के नाम से पुकारे। एक भाव भक्ति ला देख के भगवान विष्णु प्रसन्न होके माता राजीम ला वरदान दी कि हे माँ राजीम मैं तोर भाव भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और तोर नाम हम और नाम के पहली आई ऐसन वरदान भगवान विष्णु माता राजीव जी हमारे तेली वंश के हरे ओला दी से देकर कारण हमन कथन राजीव लोचन की जय। मतलब माता राजीव हमारे समाज के गौरव है और लोचन भगवान विष्णु है ऐसन गौरव जे हमारे साहू समाज रहे जेकर जयंती हमन 7 जनवरी के मना था जे आपके बकतरा गांव में भी हमन 2 बार यहाँ राजीव जयंती अब आदर्श सामूहिक विवाह के भी कार्यक्रम आपके ग्राम बकतरा में हमन कर चुके हैं। हम सब अपन गौरव ल जानन हम अपन इतिहास ल जानन हमन जैसे भी दानवीर भामा साहब की जय हमारे तेली वंश के जतक भी हमारे व्यक्ति है वो मतलब ही हमारे गौरव ल जानन लगी हमारे देश में हमारे तेली समाज के का इतिहास है। हमारे भामा साहब जी देश के आजादी में बड़ बहुत बड़े योगदान है। जब देश की आजादी के समय महाराणा प्रताप लड़ाई लड़त लड़त पूरा अपन धन संपत्ति ला निछावर कर दिली कुछ नहीं बचेरी से ऐसा समय में भामा साहब जी हमारे तेली वंश के अपन धन संपत्ति ला महाराणा प्रताप ला समर्पित करके देश की आजादी में तेली समाज के योगदान दे हमारा ये योगदान ला जाने ना लगी हम अपन गौरव ला जाने होकर कारण इलक दानवीर भामा साहब जी की जय कथन कि यही भामा साहब जेला हमने 21 अप्रैल के दानवीर भामा साहब की जयंती मना था इमे हमन उत्कृष्ट गांव भी घोषित करता आप सब हमार गौरव ला जानो तबे हमार समाज के कल्पना हमन जो विकास की करत हम तेकर होई। आप सब आज हमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमर तेली वंश के हरे जेकर सोच विकसित भारत है। जब हम देश के आजादी के 100वां वर्ष मनाबो 2047 में तो वो भारत देश ला विकसित राष्ट्र बनाए के जो सपना देखे वो में हम सब ला मिल के विकसित भारत के सपना ला साहू समाज के व्यक्ति मन मिल के साकार कर दे सर्व समाज मिल के जो आज हमर देश के प्रधानमंत्री है। आप देखे 500 साल पहली के आज हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के लिए तरसत रहे आज हिंदू सनातनी के धर्म रक्षा के लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 500 साल के बाद 22 जनवरी के प्रभु श्री रामचंद्र जी ला अयोध्या के मंदिर में स्थापित करे है। ये हम सब हिंदू सनातनी के लिए हिंदू रक्षक के रूप में आज हमारे गौरवान्वित होते ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जेकर सपना ला हम सब मिल के चले गए। बंधुअर हो हम साहू समाज के व्यक्ति हैं आज हम देखते हैं प्रतिभावान छात्र सम्मान के माध्यम से हम शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ा था मगर आज हम बेरोजगारी के भी बहुत बड़ी समस्या है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं क्या साहू समाज के हमारे लेकिन आज 90% 92% आज हम समाज में मिलते हैं हमारे लिए बड़ा गौरवान्वित महसूस होते कि हम जब क्षेत्र साहू समाज के द्वारा जब समाज के मंच में जब वो सम्मान करता तो समाज के साथ साथ वो लड़का मन के भी आज बल बढ़ते और निश्चित रूप से ऐसा पुण्य के काम करे से सामाजिक एकता बढ़ते समाज का भी बड़ा गौरवान्वित महसूस होते कि आज हम जो रचनात्मक कार्यक्रम समाज के क्षेत्र में करत है वो हमारे मन के आज खली छे। आज हमारा जब विकसित भारत हुई आज हमारे मन के सपना है कि आज हमार गरीब हमार तेली समाज के लड़का मन भी IAS IPS बने आज ये सपना जब 2047 में जब हमारे भारत देश विकसित राष्ट्र बनी तब हमारे मन के लड़का मन IAS IPS अधिकारी बनी हमारा रोजगार के अवसर मिली तब वो दिन हम कबूल के आज तेली समाज भी बड़ा गौरवान्वित महसूस हो। बंधुअर हो हम सब मिल के सामाजिक संरचना के काम करते हैं हम सब समाज ला कैसे आगे बढ़े आज पूरा दर्शन आज हमारे समाज के प्रमुख जनरल बैठे हमारे बीच में हमारे पूर्व कृषि मंत्री जी बैठे आज सबके सोच है कि हमारे समाज के दिशा कैसे हो हम कैसे आगे बढ़बो
ये बात के आज हम सब कल्पना करते हैं। और मोर समाज में मैं एक ही बात कह रहा था, आज हमार शराब के हम त्याग करन, आज जो भी कई कार्यक्रम है, आज साउथ समाज सनातनी धर्म के मानने वाला सात्विक विचारधारा के व्यक्ति रहता, मगर जहाँ भी कई कार्यक्रम होते, जहाँ देखा था कि रामायण मंडली या कि भागवत कथा भी हुआ थे, तो हमारे तेली समाज के व्यक्ति मन दारू पी के रामायण और भागवत कथा में भी जाके व्यवधान करते। बंधुअर हो, मैं बोला था कि सत्य है पूरा भले लगी, मगर आज हमारे ये नशा पान के त्याग करने लगे, तबे हमार समाज के जो सोच है, आज हम देखते हैं क्या, जब हम ग्रामीण बैठक रखते हैं तो दो व्यक्ति 200 व्यक्ति जब बैठे रहते न्याय व्यवस्था में, वो दो व्यक्ति शराब पी के हमार समाज की व्यवस्था रख चरमरा गए, हम अलग में गर्व करने लगी, और केवल हम समाज की बैठक में कलेवा नहीं लगाना है, ग्रामीण पुस्तक कलेवा करे से समाज की एकता बन गई, हम असली मुद्दा से भटके थे। आज हमार समाज हमार मरनी हंडी में भी दारू पी के फुर्सत बांटा थे, आज दारू पी के आज खंडा धर के आज शमशान घर जाते, हमारे ये प्रथा हमारा समाप्त करे लगे। बंधुअर हो, हम सब मजदूरी करते, हमन मध्यम वर्गीय परिवार, मगर आज हमार समाज कौन सा दिशा में जाता, हम केवल कलेवा बंद कर देवो हमार सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो गई, हम कलेवा के पीछे नहीं बल्कि जो शराब जो बुराई है, आज मरनी हन्नी सुखी के कार्य में आज शराब के सेवन चलते, हमारे ये दिशा में रोके के प्रयास करने लगी, तबे आज हमार जो सोच है कि हमार समाज आगे बढ़े के वो साकार हुई, और सब मिल के निश्चित रूप से समाज ला आगे बढ़ाए के काम करबो। आप मन मुला आज विधायक के रूप में आप मन एक आशीर्वाद दे, मैं आप मन बता देना चाहता हूँ कि मैं 24 साल से समाज में दो बार परिक्षेत्र अध्यक्ष अध्यक्ष संरक्षक विभिन्न पद में रह के सामाजिक दायित्व के निर्वहन करें हूँ आप सबके बीच में, और ये माता कर्मा के पुण्य प्रताप है, आप सबके आशीर्वाद है कि एक छोटे से समाज में काम करने वाला व्यक्ति आज आपके बीच में विधायक के रूप में खड़े हैं। आप समाज मन पे फिक्र रहो, आज मैं समाज के अच्छी तरह जानता हूँ कि समाज में हम लगता तकलीफ होते, छोटे से भवन के लिए हमें लगने से गिड़गिड़ाहट लगते। बंधुअर हो, आप मन इंतजार करो, मैं समाज के बीच से निकले हुए व्यक्ति हूँ, मैं समाज के पीड़ा समझता हूँ, अभी 3 महीना हो चुनाव, निश्चित रूप से हम सब समाज के साथ मिलके जे गांव में भवन की आवश्यकता रही हूँ भवन भवन करबो, जहाँ जे भी समाज की आवश्यकता रही वो काम लग पूरा करबो, और मोर पहली संकल्प रही से कि मैं परिक्षेत्र साउथ समाज से राजनीतिक जीवन शुरुआत हो है, तो मैं काम परिक्षेत्र से करके करके और आप सब के कृपा से मैं परिक्षेत्र साउथ समाज के लिए 15 लाख रुपए दे हूँ, वो राशि भी आ चुके हैं। मैं कोरपा परिक्षेत्र के लिए भी बोले राम सिंह जी हवे जगत शपथ ग्रहण में गए हो वक्त आचार संहिता नहीं लगे से, वहाँ के लिए भी बोले मैं समाज के लिए आप मन पे फिक्र रहो, मोला कोई समाज के रूप में आवेदन देने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा परिक्षेत्र में घूम के हर गांव के समाज के पदाधिकारी जानता हूँ समाज के कहाँ क्या चीज का हो सकता है। बंधुअर हो, हम सब मिल के समाज की एक नया संरचना करबो, और समाज में भाईचारा सामाजिक समरसता के साथ माता कर्मा माता राजी और दानवीर भामा साहब के बताए हुए मार्ग में चलबो, यही निवेदन के साथ मैं यहाँ 3 जोड़ा शादी है आज बहुमल्ला समाज की ओर से हमार विधानसभा की ओर से उमल्ला आशीर्वाद देता हूँ कि वो कर मन के नव दंपत्य जीवन सुखमय रहे, और हम सब सामाजिक भाई मन के घर में भी माता कर्मा धन धन्य से परिपूर्ण रखे, हम सब में सामाजिक समरसता के भाव जागृत हो, यही निवेदन के साथ मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। बोलो संत कर्मा माता की, राजिन भक्तिन माता की, दानवीर भामा साह की, साहे बंदगी, साहे बंदगी। साल के द्वारा यही कड़ी में हमारे तहसील के सम्माननीय अध्यक्ष
करम जी जंतर मंतर हमेशा हो सोचना। ये पहली पूजा घर के दाई Oh!
जितक में हमारे कलाकार सम्मान कर दो भैया साफा जी हम देर भाई हमारा तहसील अध्यक्ष बड़े भैया ब्रह्मानंद साहू की ओर से अच्छा 600 रुपया तीनों जोड़ा तीनों नवदंपत्ति जीवन वाला प्रदान करे थे ब्रह्मानंद साहू के सामने चेहरा तीनों जोड़ा 100 रुपया प्रदान करे थे बड़ी संतकर्मा माता की जय एक पश्चात तैयार ही ग्रामीण साहू समाज बक्तरा की ओर से ग्रामीण साहू समाज मन के बक्तरा के कार्यकारिणी सामाजिक बंधु मन को सम्मान करे जा रही एक बच्चे आप सब रुकना और बीच में सुखनंदा साहू संगठन सचिव दलदल सैनी परिक्षेत्र से आगमन हुआ है भैया भैया स्वागत कर रहे हैं सर जी आई सर जी साथ ही हमारे बीच आदरणीय हेमलाल ध्रुव जी परिक्षेत्र साहू समाज की ओर से होकर मन से निवेदन है अपर क्षेत्र के पदाधिकारी हैं आ जाए मंच में एक कार्यक्रम के पश्चात पहले आजीवन थनेश्वर साहू की ओर से 100 रुपये प्रदान करें दादा जोरी से बराती आए है वो गाड़ी के पास पहुंच जाए दादा जोरी से हमें मंच में सब हमारे परिक्षेत्र के पदाधिकारी जितने भी यहाँ उपस्थित है हमारे सादर आमंत्रित रहते हैं मंच में अमनचा सिंह हुआ सादर निवेदन चाहो जिनका नाम मैं उद्घोष करे हैं आजीवन सदस्य जिन मंदिर निर्माण भवन निर्माण में ऊपर उनके सम्मान होना परिक्षेत्र के द्वारा क्रमशः में सादर आमंत्रित कर रहा हूँ शीघ्रता के परिचय देते हुए आप सब गणेश राम साहू जी आजीवन सदस्य गणेश राम साहू जी आजीवन सदस्य साथ ही जितेंद्र कुमार साहू जी आजीवन सदस्य मंदिर निर्माण में बल्दू राम साहू बुद्धेश्वर साहू जी आप आजीवन सदस्य मंदिर निर्माण में आप लोग सादर आमंत्रित कर रहे हो गए श्री पिरोहित साहू जी आजीवन सदस्य आप लोग भी सादर आमंत्रित आकर सम्मान प्राप्त करो पिरोहित साहू जी भरत साहू जी आप लोग भी सादर आमंत्रित कर रहे हो आकर सम्मान प्राप्त करो दुरेंद्र साहू जी शिक्षक आप लोग भी सादर आमंत्रित कर रहे हो डॉक्टर उदयराम साहू जी आजीवन सदस्य आप लोग भी सादर आमंत्रित इंतजार कर रहे हैं श्री वेद व्यास साहू जी आजीवन सदस्य मंदिर निर्माण में आप लोग भी सादर आमंत्रित वेद व्यास यही क्रम में श्री दिलीप साहू जी आजीवन सदस्य है ओला भी सादर आमंत्रित कर आकर के अपना सम्मान प्राप्त कर लिया साथ ही ग्राम सिवनी से
नया आजीवन सदस्य बने हैं कोमल भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं बिसाहू राम साहू जी। बख्तरा से सूची दे रहा हूँ ताकि मैं नाम या उपकर पास वही उद्घोष कर दो जितक भी यहाँ हुए वो आ करके क्रमशः हमारे अतिथि मन के द्वारा ये सम्मान प्राप्त कर लो। आप मन के नाम चूंकि लिस्ट बहुत सारा है लगभग 260 जन के सम्मान होना है मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत जल्दी नाम पढ़ू मैं आप मन आकर के सम्मान बाद में ग्राम साहू समाज की ओर से पहुंचा जाए मैं बहुत जल्दी नाम घोष कर देता हूँ जन्मिल के हो तो मनमाता हो नहीं भी होता जो भीकम भगवंता नारायण टेकराम मोहन सुरेखा सुरेश यादव जितेन सीता भूमेश अमेरिका कोमल प्रसाद साहू पिता भोलोराम साहू कोमल प्रसाद साहू पिता भोलोराम साहू बलदराम साहू युधिष्ठिर साहू पिता बलदराम साहू ओंकार साहू पिता कार्तिक राम साहू पिता परमा साहू यादराम साहू पिता भरातु यादराम साहू पिता मंतुराम साहू बिथेला हमारा अध्यक्ष सचिव हमारा रक्त साथी अरे अरे और हमारा अप्रेता राजनेताओं की ग्राम साहू समाज बख्तरा की जय जय श्री राम हर हर महादेव। अब हमारे परिक्षेत्र के जम्मू पदाधिकारी जैन 6 दिन तक रथ प्रभारी के रूप में और हमारे परिक्षेत्र में जैन सेवा देते थे कार्यकारिणी के रूप में यहाँ उपस्थित है सब लाते हैं पूरा हाँ जैन चला जी से मदद जी हमारे संगठन मंत्री लक्ष्मीनाथ साहू जी मंगल साहू जी प्रमुख सलाहकार आप लोग सादर आमंत्रित संतोष साहू जी प्रमुख सलाहकार आप लोग भी सादर आमंत्रित दिनूराम साहू जी अध्यक्ष देवार भाटा आप लोग भी सादर आमंत्रित मनोहर साहू जी अध्यक्ष आप लोग भी सादर आमंत्रित आप सम्मान प्राप्त करो आयोजन से ऐसा कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम चाहे कोई भी कार्यक्रम होते आदरणीय बड़े भैया भोजराम साहू जी के विशेष मार्गदर्शन होते ऐसा महती कार्यक्रम में सम्मान स्वीकार करते ये सब के सम्मान करी से आपके नेतृत्व में आगामी और बढ़िया कार्यक्रम हो माँ संतकर्मा हम सबला आशीर्वाद प्रदान करें आप ला विशेष आशीर्वाद प्रदान करें और सब कोई बधाई देखा एक घर में कर्ण कन्या रत्न के प्राप्ति हुई थी एक मंजली बोला एक भी बधाई देखा हाँ अच्छा ठीक नेता भी देखे है ना अध्यक्ष के कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित कर दिया गया बहुत बहुत धन्यवाद समस्त हमारे परिचय सहित होकर पूरा टीम ला ग्राम साहू समाज बख्तरा ला
सर्व समाज भक्तराला और आस पास के हमारे पूरा परिक्षेत्र पदाधिकारीगण और समस्त ग्रामीण बंधु यहाँ